देखो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एज इट इज़ चार एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। पहला जो एडिटोरियल्स रहेगा उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुंबई हाई कोर्ट ने ये 81 बॉन्ड जो रद्द कर दिया था आरबीआई ने कुछ साल पहले 2020 में, उसको पुनः स्थापित क्यों किया है। ठीक है, ये विषय है, मुंबई हाई कोर्ट का विषय है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विषय है, यहाँ पे बॉन्ड मार्केट का विषय, ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें हाफी उपी मत काटना, जितना हो सके कलम चलाते रहना। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। और यही बॉन्ड हम लेके आने वाले थे जो पेंडिंग रह गया। बोले थे ना कि बॉन्ड हम पढ़ाने वाले हैं, तुम लोग को पेंडिंग रह गया, ये समझ लोगे तो फ्यूचर में कभी वो पढ़ाएंगे तो उसको और अच्छे समझ पाओगे। समझ गए, इसमें हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में समझना है स्टूडेंट, और 81 बॉन्ड्स क्या होता है उसके बारे में भी समझना है, पहला एडिटोरियल। दूसरे एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे कि जो बॉटम ट्रोलिंग और जो हमारा पर्स सीन फिशिंग, ये है क्या। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गजब का डिसीजन लिया है जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो ये हमें वहीं पे पता चलेगा। ये फिशिंग टेक्निक से रिलेटेड है, फिशिंग जान रहे हो ना, और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे फिशरमैन डिपेंडेंट है ना कोस्टल एरियाज के ऊपर। उसके बाद देखो 27 इतना इंपॉर्टेंट है, बायो टेक्नोलॉजी, जाओ इम्यून सिस्टम, तो इसमें फिर से आया है। बताओ ये मैंने पिछले साल बच्चे लोग को कोमल एन नीति से जो भी एलिजिबल थे एग्ज़ाम के लिए या फिर बनना चाह रहे थे, तो ये अलग से मैंने कवर किया था। एंड थैंक्स कि आज एडिटोरियल्स में ही आ गया ये। इनमें इननेट नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होता है, एडप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, उस दिन याद करो जब तुम लोग को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा था तो WBC के बारे में हम बात किए थे, और हम ये भी बोले थे कि WBC का पाँच हिस्सा होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये बोले रहने दो कैंसर सेल है हम लड़ेंगे, बोले थे ना, ये सब कौन कौन सेल इन्वॉल्व है इसके बारे में बहुत खूबसूरत जानकारी तुमको मिलेगा। धन्य हो बाबू कि ऐसा एडिटोरियल आया है थर्ड वाला, ये पूरी तरीके से तुम्हारा बेसिक्स को क्लियर कर देगा। और यदि ये समझ के ना बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना तो सब आसान हो जाएगा, इतना इनरिच एडिटोरियल से ही समझे। एंड लास्ट वन देखो, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया समझ ले अर्बन क्योस हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्बन एरिया में कितना बर्डन है ना, अर्बन एरिया तेजी से फैलते चला जा रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है वहाँ पे, मगर जो ड्यू अटेंशन मिलना चाहिए अर्बन एरियाज को मिल नहीं रहा है। ये अलग बात है कि 85% जो रेवेन्यू आता है वो अर्बन एरिया से ही आता है, मगर 10% भी यहाँ पे खर्च नहीं कर पाते हैं सरकार, ये सरकार का गलती है। समझे, तो इसके बारे में समझेंगे इस रिपोर्ट में और क्या क्या निकल के आया है, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, समझ गए ना। तो चलो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं फिर अच्छे से। तो 25 GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आया था तुम्हारा हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में 26 जन 2023 को, समझ गया ना। तो देखो क्यों हम लोग 81 बॉन्ड्स का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले तुम रुक जाओ। अच्छा, उससे पहले मैं तुमको समझाता हूँ कि विषय क्या है। ठीक है, ये क्योंकि ये एक ही बार नहीं समझ पाओगे इस एडिटोरियल्स को, विषय समझो। 81 बॉन्ड, ये एक तरह का स्पेशल बॉन्ड होता है। बॉन्ड जानते हो ना, बॉन्ड का मतलब है स्टूडेंट कि कोई भी बैंक जारी कर दी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी कर दी। अब जब बॉन्ड जारी किया जाता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं उस बॉन्ड को खरीदते हैं और रखते हैं, और चाहे बैंक बेच रहा हो बॉन्ड को या भारत सरकार बेच रहा हो बॉन्ड को, वो अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है। सही बात है ना, यही तरीका है। और ये इसलिए किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो इसलिए किया जाता है ताकि वो पैसा को ला के फिर से दूसरे जगह काम किया जा सके, है ना, पैसा को मोबिलाइज करने का तरीका है। बैंक ऐसा क्यों करता है, बैंक इसलिए स्टूडेंट करता है ताकि बैंक का अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन रहे। क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब है स्टूडेंट कि एक बैंक में बैंक का अपना पैसा कितना है, बैंक का अपना कितना पैसा। जैसे मान लो कि 100 करोड़ का बैंक है, एक बैंक के अंदर कैपेसिटी है 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ में बैंक का अपना पैसा कितना है, समझे। तो अभी हम जानते हैं कि रिसेंट टाइम में या फिर हमने पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने तुमको पढ़ाया था उसमें हमने ये बोला था कि 15-16% के आसपास है,
विच इज़ अ वेरी गुड, यानी कि 16% का मतलब है कि यदि बैंक के पास 100 रुपया है तो 16 रुपया बैंक का अपना है, और 81 बॉन्ड यदि बैंक कोई इशू कर रहा है तो इसलिए इशू कर रहा है कि यदि उसके पास जो किल्लत हो रहा है, यानी कि वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं कहीं गैप आ रहा है, उस गैप को भरने के लिए एडिशनल मनी को वहाँ पे लगा के ताकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन कर सके, इसलिए इस तरह का बॉन्ड को वो जारी करता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तुम लोग को समझने में? अब हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ इसके साथ, अब मुंबई हाईकोर्ट को क्यों आना पड़ा बीच में? देखो हुआ क्या, यस बैंक जानते हो ना, एक बैंक का नाम है, यस बैंक ने कुछ गड़बड़ी कर दिया। अब गड़बड़ी से पहले तुम समझो कि ये तो बॉन्ड के बारे में मैंने कहा, मैंने 81 बॉन्ड के बारे में तुम लोगों को नहीं बताया, ये एक सिंपल बॉन्ड का डेफिनेशन है। देखो 81 बॉन्ड भी एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है जो कि एक्चुअल में केवल हाई इंडिविजुअल्स, जो हाई नेटवर्थ वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, वही वो चीज़ को खरीदते हैं। ये तुम्हारे और मेरे ऐसा कॉमन आदमी नहीं खरीद सकता है। क्यों, आखिर क्या रीज़न है? इसलिए रीज़न है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला होता है बॉन्ड। ये बॉन्ड इसलिए रिस्क वाला होता है कि ये बॉन्ड कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, और इस पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है स्टूडेंट, और इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। बात समझे स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए ये जो बड़ा बड़ा आदमी होता है, कॉर्पोरेट होता है, हाई इंडिविजुअल नेटवर्क जो बहुत कमा रहा है, वही लोग इस तरह का बॉन्ड के ऊपर खर्च करता है। होप सो समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब देखो क्या हुआ, 2020 में ये पाया गया कि यस बैंक का जो भी पैरामीटर्स थे, पैरामीटर याद करो तुम लोग कि जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, एनपीएस हो गया, ये सब पैरामीटर्स होता है एक बैंक का हेल्थ चेक करने के लिए। एनपीएस समझते हो ना तुम लोग, कि 90 दिन तक यदि पैसा रिटर्न नहीं आया, चाहे उसका इंटरेस्ट हो चाहे उसका मूलधन हो पेमेंट, यदि वापस नहीं आया तो पैसा एनपीएस हो जाता है। यस बैंक का पैसा बहुत सारा एनपीएस हो गया, ठीक है, यस बैंक ने बहुत सारा पैसा दिया था, एनपीएस हो गया, फिर आरबीआई को बीच में आना पड़ा और आरबीआई को बोलना पड़ा कि ए क्या कर रहा है तू, नहीं तो क्योंकि आदमी का इन्वेस्टर का बहुत पैसा लगता है ना बैंक, किसी भी बैंक में। तो यस बैंक उससे पहले जो जारी किया थे 81 बॉन्ड, समझो 81 जो बॉन्ड जारी किया था, तो आरबीआई ने क्या किया कि उस बॉन्ड को रद्द कर दिया। मगर यस बैंक का देखो गड़बड़ी यहाँ पे, यस बैंक ने क्या किया कि 81 बॉन्ड्स तो हाई इंडिविजुअल नेटवर्क को देना चाहिए था, मगर वो कॉमन इन्वेस्टर को बेच दिया। फंस गया कॉमन इन्वेस्टर, क्योंकि वो कॉमन इन्वेस्टर के लिए है ही नहीं। अब मगर यहाँ पे आरबीआई उस चीज़ को, बैंक को ठीक करने के चक्कर में क्या किया कि 81 बॉन्ड जो जारी किया था यस बैंक, क्योंकि 81 बॉन्ड तो कभी भी हटाया जा सकता है, मैंने बोला ना 81 बॉन्ड कभी भी हटाया जा सकता है, परपेचुअल है, मतलब अनलिमिटेड टाइम भी जा सकता है, कभी भी हम इन्वोक कर सकते हैं उसको। आरबीआई ने खत्म कर दिया 81 बॉन्ड को, तो जो कॉमन इन्वेस्टर थे, हालांकि उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, यस बैंक ने ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, यस बैंक ने ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया किसको, इन्वेस्टर को, कि ये हाई इंडिविजुअल नेटवर्क के लिए है, ये दिया ही नहीं, और कॉमन तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे। बात समझ में आ गया ना? और यहाँ आरबीआई स्ट्रिप ऑफ कर चुकी है, राइट ऑफ कर चुकी है कि 81 बॉन्ड्स अब होगा ही नहीं। तो ये फिर पहुँचा बात मुंबई हाईकोर्ट में, और मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि नो, जो आरबीआई ने 2020 में जो 81 बॉन्ड को खारिज किया था वो खारिज नहीं होगा। बताओ, बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब अब आरबीआई के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर और आ गया। एक तो उस समय जब एनपीएस हुआ था तो उस समय कितना पैसा एसबीआई को बोला कि तुम थोड़ा इन्फ्यूज़ कर दो ज़रा पैसा, इसको ठीक कर दो यस बैंक को, तो एसबीआई को बोल के इन्फ्यूज़ करवा के थोड़ा एस बैंक को ठीक करने का प्रयास किया गया। और अभी देखो जो स्ट्रिप हो गया 2020 में, फिर मुंबई हाईकोर्ट ने बोला कि नो स्ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि उसमें कॉमन इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है उसमें, तो कॉमन इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएगा। ये गलती यस बैंक का है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया आपने इन्वेस्टर को, और ये क्यों नहीं बताया कि 81 बॉन्ड का नेचर क्या होता है। बात समझे? तो ये इशू है ये पूरा। तो देखो आप समझो इस चीज़ को, यहाँ पे समझो आखिर हम क्यों बात कर रहे हैं 81 बॉन्ड्स के बारे में। रिसेंटली मुंबई हाईकोर्ट ने एक स्टे पास किया कि जो यस बैंक का जो 80 बॉन्ड्स जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे है ना, जो तुम्हारा राइट ऑफ किया था आरबीआई ने, वो स्टे लग जाता है उसके ऊपर। स्टे मतलब रद्द नहीं होगा, वो 81 बॉन्ड्स अभी भी जारी रहेंगे, जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर का पैसा अभी भी उसको वापस किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ,
राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिया था कि अब हटा देते हैं इस बॉन्ड को, मगर इसके ऊपर स्टे लगा दिया मुंबई हाई कोर्ट ने, समझे। अब देखो क्या है, 81 बॉन्ड ऑब्लिगेशन ऑफ येस बैंक वर परमानेंटली, देखो वही बोला है कि जो 81 बॉन्ड का जो ऑब्लिगेशन था येस बैंक का, वो परमानेंटली तुम्हारा रिटर्न ऑफ कर दिया था, यानी खत्म कर दिया था आरबीआई ने 2020 में, ठीक है। इसलिए कर दिया था स्टूडेंट क्योंकि येस बैंक का एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बात समझे, और उसका जो अपना डिपॉजिट है पैसा, वो डिपॉजिट बहुत कम हो गया था तुम्हारा सेप्टेम्बर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने क्या किया कि राइट ऑफ कर दिया उस 81 बॉन्ड्स को, यानी रद्द कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अब देखो उस समय आरबीआई को आना पड़ा इंटरवीन करने के लिए, यदि आरबीआई नहीं आता तो येस बैंक का स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाता, कहने का मतलब ये है, क्योंकि येस बैंक एनपीएस में पूरा डूब चुका था। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। कोर्ट ने कहा कि येस बैंक को रिस्टोर करना होगा टायर वन बॉन्ड्स, वही 81 बॉन्ड्स, समझे, उसी का टायर वन बॉन्ड कहा जाता है, जिसका लगभग पैसा 8,300 करोड़ रुपया था। और एक ही बार राइट ऑफ कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये कॉमन इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया उसमें, यस बैंक का गलती है कि सूचना नहीं दिया उसको ठीक से, हाई इंडिविजुअल नेटवर्क के लिए है, बहुत रिस्क टेकिंग वाला बॉन्ड है, येस बैंक का गलती है कि इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया कॉमन इन्वेस्टर को, और कॉमन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर दिया इसमें, बात समझ में आ रहा है ना, रिस्टोर करना पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे समझो, राइटिंग ऑफ वॉज वन ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ एक्शन टेकन बाय आरबीआई एंड येस बैंक इन 2020, यानी कि 2020 में ये भी एक स्टेप लिया था राइटिंग ऑफ का, और इसके साथ और भी बहुत सारे स्टेप्स लिया था आरबीआई ने ताकि येस बैंक को फिर से वो ठीक कर सके, उसका जो बैंकिंग का जो व्यवस्था उसको ठीक कर सके। तो क्या क्या हुआ था, देखो येस बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि देखो मार्च 5 2020 के बाद डिपॉजिटर जो है, डिपॉजिटर पैसा पूरा नहीं निकाल सकता है। तो फिर जो डिपॉजिटर जो पहले डिपॉजिट करके बैठा हुआ है, वो फिर उसका दिमाग ख़राब होगा, है ना, बात समझ रहे हो, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है येस बैंक के पास, और जब येस बैंक का पैसा नहीं है तो आरबीआई को रिस्ट्रिक्शन लगाना ही पड़ेगा, बात समझे। नंबर वन, आरबीआई ने खुद ही तुम्हारा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके येस बैंक का मैनेजर को भेजा है वहाँ पे, यानी कि येस बैंक का जो मैनेजमेंट खुद अपने हाथ में रख लिया, और एडमिनिस्ट्रेटर को बोला कि जाओ बाबू देखो थोड़ा बैंक में क्या स्थिति है, समझे इस चीज़ को। और देखो SBI has roped, और SBI को बोला गया, SBI जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टूडेंट, उसको बोला गया कि कुछ एक काम करो, कुछ दो इक्विटी इसको दे दो, इस बैंक का हालत ख़राब है, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्शन पैकेज को भी उस समय डिवाइस किया गया था कि रिकंस्ट्रक्शन पैकेज मतलब इतना इतना पैसा इसको दे दो, इसका हेल्थ ठीक हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, एक एक वर्ड समझना वहाँ पे, समझे। और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में ये भी बोला गया था कि येस बैंक का कुछ क्या हेयर कट के लिए वो तैयार हो जाए, हेयर कट जानते हो ना, इतना एनपीएस दिया है तो पैसा वापस करें, जैसे 100 करोड़ रुपया एनपीएस दिया है तो जितना अधिक, ये जितना कम हेयर कट हो उतना बेटर है। कम हेयर कट का मतलब क्या है, मान लो कि 60 करोड़ रुपया वापस आ गया तो 40 करोड़ हेयर कट बचा, इन होता है। तो इसमें रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में येस बैंक को बोला गया कि जल्दी हेयर कट जितना कम हो सके हेयर कट वो करो, और जल्दी से एनपीएस को वापस करो, देखो जाओ लगाओ इसके ऊपर। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट यही हुआ कि आरबीआई ने डिसाइड किया उस समय कि जो येस बैंक का 81 बॉन्ड एप्लीकेशन है उसको परमानेंटली रिटर्न ऑफ कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ, वो कहाँ से पैसा देगा येस बैंक, येस बैंक का तो हालत ख़राब हो गया है खुद ही, समझते जाना, अच्छे समझते जाना। टू अंडरस्टैंड 81 बॉन्ड को और अच्छे समझना है तो तुमको पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को समझना होगा, बताया ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है स्टूडेंट। देखो जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था 2008 का, हाँ बहुत भयानक क्राइसिस था ना, तो उस समय बहुत सारे बैंक पिट गया था, मैं भारत में बहुत सारा बैंक नहीं पिटा था, इसका कारण क्या है कि भारत में एडिक्वेसी रेशियो बहुत अच्छा था, एडिक्वेसी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझ रहे हो ना, कि बैंक के पास अपना कितना पैसा होना चाहिए। तो वहाँ बेसल नॉर्म्स हुआ था, याद करो बेसल नॉर्म वंस हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, ये बेसल वर्ड कौन सा है, स्विट्जरलैंड का, जो स्विट्जरलैंड का एक जगह है जहाँ पे इस तरह का निर्णय लिया जाता है। तो देखो वहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद जितने भी सेंट्रल बैंक है, आरबीआई हो गया, फेडरल रिजर्व हो गया, बड़े बड़े बैंक सब साथ में बेसल में आए हैं और एक नया नियम बनाया, वही नियम क्या है तुम्हारा, बेसल थ्री नॉर्म्स, और उसके आधार पे सभी बैंक को अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होगा स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है ना, बढ़िया समझ में आ रहा है सभी चीज़। अब वहाँ देखो
दिस आर बेसिकली टू मेंटेन स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट बाय द बैंक्स, और ये इसलिए बेसल थ्री नॉर्म्स का बात किया गया ताकि बैलेंस शीट स्ट्रांग रहे। क्या होता है बैलेंस शीट? उसके पास अपना पैसा बहुत ज़्यादा रहे, स्ट्रांग बैंक दिखे। बैंक कब स्ट्रांग दिख सकता है स्टूडेंट? जब बैंक के पास ढेर सारा पैसा हो लेंडिंग करने के लिए। तो देखो, एज पर द न्यू रूल्स यानी कि बेसल नॉर्म थ्री के हिसाब से भारत में क्या नियम लगाया गया कि कम से कम मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 9+2.5 यानी कि टोटल 11.5% होना चाहिए। ये है कहने का मतलब, 11.5 नहीं वैसे लिख दिया गया है, उसको अच्छे से लिखना चाहिए था 9+2.5, दोनों को जोड़ोगे तब जाके 11.5 होगा। अब इसका कहने का मतलब है स्टूडेंट यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूरा कितना होना चाहिए? 11.5%, 9+2.5 क्या है तुम्हारा? कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, वो एक्स्ट्रा है। टोटल कितना हुआ? 11.5, कम से कम 9 होना चाहिए और 9 के साथ 2.5 एक्स्ट्रा होना चाहिए, बफर के रूप में होना चाहिए। जैसे देखो ना, तुमको 1000 रुपया खर्चा है, 1000 रुपया रोज खर्चा करते हो, तो तुम्हारे पास 1500 रुपया भी है और साथ में 500 एक्स्ट्रा भी रखे हो, तो 2000 हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह 11.5 का मतलब है कि 9 आपका कम से कम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, प्लस 2.5% आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल कंजर्वेशन बफर होना चाहिए। क्योंकि उस समय कहा गया था, इट वॉज फेल्ड एट बैंक्स आर आउट टू ऑपरेट। उस समय ऐसा लगा लोगों को कैपिटल ये ग्लोबल क्राइसिस के बाद कि बैंक के पास जितना हायर प्रोपोर्शन ऑफ ओन परमानेंट कैपिटल यानी कि अपना जितना पैसा होगा उतना बेटर है, बोरोड कैपिटल नहीं होना चाहिए, दूसरे जगह से मांग के कैपिटल एडिक्वेसी ठीक नहीं है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए जरूरी है कि वो बैंक का अपना पैसा ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? हाँ, तो ये बढ़िया समझना। इसलिए दिस परमानेंट कैपिटल इज टर्म्ड एज, और ये जो परमानेंट कैपिटल है जो कम से कम 7% होना ही चाहिए। आप देखो, कंफ्यूज मत होना, देखो बढ़िया समझो, यहाँ पे गधा लोग लिखते रहो इस चीज़ को, मैं बोर्ड पे लिखा देता हूँ इस चीज़ को। अब मैं 11.5% बोल रहा हूँ, मैं 11.5% क्या बोल रहा हूँ कि इतना होना चाहिए, है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। इसमें देखो 9 करो स्टूडेंट, 9+2.5 तुम्हारा बफर होना चाहिए। कौन सा वर्ड यूज किया गया? कैपिटल कंजर्वेशन बफर होना चाहिए, लिख लो यहाँ पे, और 9% तुम्हारा होना चाहिए, दोनों मिला के इतना होना चाहिए, ठीक है। अब कम से कम अपना जो है बैंक का, अपना कम से कम 7 होना चाहिए अपना, और ये जो 9 आया है, 9 में 2 बाहर से भी वो ला सकता है, 81 बॉन्ड जारी करके या फिर दूसरा कर्जा मांग के, समझे ना। तो कम से कम 7 वो उसका अपना होना चाहिए। इसलिए जो परमानेंट कैपिटल होना चाहिए, परमानेंट कैपिटल मतलब खुद का जो होना चाहिए, जिसको हम टायर 1 कैपिटल कहते हैं, वो कम से कम 7% से कम नहीं होना चाहिए। होप सो समझ में आ गया होगा तुमको, समझे। तो कैसे इसको याद करोगे? 7+2+2.5 ऐसे याद कर लो, समझ गए? 7+2+2.5, 7 क्या होना चाहिए? अपना परमानेंट टायर 1 वाला होना चाहिए, 2 मिला के होना चाहिए, और 2.5 तुम्हारा कंजर्वेशन बफर के रूप में होना चाहिए। होप सो समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे टायर वन कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी होना चाहिए या अपना परमानेंट कैपिटल होना चाहिए जो बैंक का हो, अपना बैंक का हो, या इक्विटी मतलब उसका जो भी ओनरशिप है जो पैसा के रूप में काम आ सकता है, समझे। और कितना होना चाहिए बैंक का? कम से कम 7% होना चाहिए। और टोटल यदि टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का बात करें तो कम से कम तुम्हारा कितना होना चाहिए? 9+2.5 होना चाहिए। 2.5 किस लिए? कंजर्वेशन बफर के लिए, कैपिटल कंजर्वेशन बफर के लिए। समझ में आया? आप देखो बेसल थ्री नॉर्म्स ही फॉलो करते हैं हम लोग, ध्यान रखना यही चीज चलता है अभी सब बैंक में। आगे देखो, देन व्हाट इज एडिशनल टायर वन कैपिटल? तो ये क्या है तुम्हारा? देखो अब एडिशनल, अब ये देखो, ये पहले टायर वन है तो एडिशनल क्या है? एडिशनल मतलब 2 जुड़ेगा, यानी कि 7 में जो 2 जुड़ेगा वो एडिशनल टायर 1 है। 2 कैसे जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा बॉन्ड को जारी करके, दूसरे व्यवस्था को जारी करके, ताकि 7+2 जो ला रहे हो बाहर से वो तुम्हारा क्या एडिशनल टायर 1 कैपिटल है जो बाहर से हम बोरो करके लाए, समझे ना। तो यानी कि आपको टायर 1 कैपिटल को बढ़ाना है, टायर 1 कैपिटल को एडिशनल बढ़ाना है, तो ज़रूरी है कि बैंक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड्स को जारी करे, उसी को हम 81 बॉन्ड कहते हैं, जो इन्वेस्टर को देगा और इन्वेस्टर क्या करेगा? खर्च करेगा और पैसा लाके ये 7+2 करके 9 बन जाएगा इसका, समझ गए। या फिर तुम्हारा आगे भी जा सकता है, 11.5 तक जा सकता है, 2.5 उसमें कंजर्वेशन बफर हो जाएगा। अच्छे सुनो, रिपीट कर रहे हैं बार बार, देखो तो 81 बॉन्ड्स तुम्हारा बिल्कुल एक सिमिलर बॉन्ड्स की तरह हैं,
वो इंटरेस्ट रेट देगा, जैसे मैंने कहा ना कि बॉन्ड कोई भी बॉन्ड में रेगुलर इंटरेस्ट देता है, बट इसका मैच्योरिटी डेट नहीं है, ये परपेचुअल है। वर्ड लिखा वहाँ पे परपेचुअल है, परपेचुअल मतलब इनडिफिनिट पीरियड के लिए बॉन्ड होता है। इनडिफिनिट पीरियड मतलब गारंटी नहीं कि 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, हो सकता है ये 14 साल के लिए भी हो सकता है, या हो सकता है ये 10 दिन के लिए भी हो सकता है, ये परपेचुअल बैंड है। कभी भी बैंक क्या कर सकता है, इसको इन्वोक करके ख़त्म कर सकता है। बात समझो, वर्ड नहीं है बाबू, वहाँ पे लिखो परपेचुअल, स्पेलिंग आता है PRPTUAL, परपेचुअल नेचर है। तो 81 बॉन्ड्स इसमें क्या है, रेगुलर इंटरेस्ट होते हैं, बट इसका मैच्योरिटी डेट नहीं है क्योंकि ये परपेचुअल है, समझे, एंड परमानेंट पार्ट है बैंक का कैपिटल का, जैसे कि उसका इक्विटी है। अब देखो वो लिखा गया है, देखो एक्चुअल में 81 बॉन्ड कॉरपोरेट्स के लिए, जो बड़े लोग सब होते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, ये तुम्हारा रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, जो कि यस बैंक ने गलती से दे दिया, बात समझे ना, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो बहुत ही रिस्क टेकिंग बॉन्ड है, रिस्क टेकर रिस्क ले ही सकता है। हाँ, इसमें है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, मगर मान लो कि 10 दिन में बॉन्ड खत्म कर दिया तो कॉमन आदमी तो पिट जाएगा बुरी तरीके से। तो इसलिए हाई इंडिविजुअल नेटवर्क, जिसको मतलब नहीं है पैसा ढेर सारा है, वो इसलिए लगा रख, हो सकता है उसको इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाए, और बीच में यदि बैंक ने इन्वोक भी कर दिया, बैंक ने खत्म भी कर दिया, राइट ऑफ भी कर दिया, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास ढेर सारा पैसा है, तो बहुत रिस्क टेकिंग है। यस बैंक ने गलती किया कि नहीं किया बताओ। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड है स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम कंसोल्ड बॉन्ड्स भी कहते हैं, और कम से कम मिनिमम साइज इशू 10 लाख से स्टार्ट होता ही है, ठीक है। हाउएवर द बैंक्स डू ऑफर, हाँ बोला है बैंक कभी भी कॉल ऑप्शन है बैंक के पास, यानी कि एक पीरियड 5 साल हो गया, बैंक तुरंत उसको रद्द कर दिया, परपेचुअल है, मगर बैंक कभी भी कॉल ऑप्शन है बैंक के पास, कभी भी इसको खत्म कर सकता है। बैंक कब खत्म करता होगा देखो, तो बढ़िया सोचो, तो मैं ये इसके बारे में बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है इसके बारे में अच्छे से। बैंक देखो, जैसे मान लो कि बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं है, वो ला रहा है, मगर बैंक बहुत पल गया, बैंक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, फिर बैंक ड्रॉप कर देगा तुरंत, क्यों, क्योंकि बैंक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना उसके ऊपर। जब इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है और यहाँ पे बहुत बढ़िया हो गया बैंक का ऑपरेशन, तो बैंक का फायदा तुम्हारा इशू करेगा, वो तुरंत बोलेगा कि जितना भी इन्वेस्टर हो पैसा लो, अब बात ख़त्म करो, तो बात समझे। इसलिए ये परपेचुअल है, ये कभी भी इन्वोक किया जा सकता है। जैसे ही बैंक को लगा कि यस हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम खुद ही मेंटेन कर पा रहे हैं अच्छे से, हमें एडिशनल टायर वन कैपिटल की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद ही पैसा है, तो वो 81 बॉन्ड को तुरंत खारिज कर देगा। आगे देखो, फर्दर इलेबोरेशन ऑन 80 बॉन्ड्स, देखो वही बोल रहा है कि कॉल ऑप्शन है, ये आपका 5 साल के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद हो सकता है, अब 50 साल के बाद भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक्स आर नॉट ऑब्लाइज्ड, जब यानी कि बैंक कॉल ऑप्शन करेगा ही करेगा, बैंक तब तक पैसा देगा जब तक बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की जरूरत है, जैसे ही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया, बैंक कभी भी वो कर सकता है, वो ख़त्म कर सकता है। जो बैंक 81 बॉन्ड कर रहा है वो इंटरेस्ट बताओ, ये ऐसा खतरनाक है कि ये जैसे मान लो कि किसी साल किसी महीना ऐसा कमाई ठीक से नहीं हुआ, बोलेगा हम इंटरेस्ट नहीं देंगे आपको, ये इंटरेस्ट भी नहीं दे सकता है, इतना पावर है। इसलिए पहले ही बोल दिया आता है कि ये बहुत रिस्क टेकिंग बॉन्ड है। मान लो कि बैंक का स्थिति बहुत ख़राब हो गया और बैंक ढेर सारा पैसा लिया है 80 बॉन्ड जारी करके, और बैंक इस स्थिति में नहीं कि उसको इंटरेस्ट रेट दे, तो इंटरेस्ट रेट नहीं देगा उसको, ये पहले करार है। तो वही बोला कि जो बैंक 81 बॉन्ड जारी कर रहा है वो कभी कभी इंटरेस्ट पे आउट भी तुम्हारा पर्टिकुलर वेल के लिए वो कर सकता है, हटा सकता है, समझे, और तब हटा सकता है जब उसका कैपिटल रेशियो तुम्हारा थ्रेशोल्ड से कम हो जाए, वही 7 से कम हो जाए तब, बात समझे। और RBI को यदि लगता है कि अब बैंक अब कोई बैंक कोलैप्स होने वाला, जैसे RBI को यस बैंक कोलैप्स होने वाला था ना, तो उस केस में सिंपली RBI क्या कर सकता है, 81 बॉन्ड्स को रद्द कर सकता है, ये है उसके पास, बट इन्वेस्टर से कंसल्ट करके। तो यहाँ पे RBI का गलती क्या हुआ, RBI का गलती हुआ कि RBI ने इन्वेस्टर से कंसल्ट नहीं किया, और सबसे बड़ा गलती यस बैंक का हुआ है क्योंकि वो रिटेल इन्वेस्टर को 81 बॉन्ड जारी कर दिया, समझ गए, यही एसेंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, इसको एक बार और पढ़ लेना अच्छे से, समझ गए ना, ये ख़त्म हो गया। चलो अब देखते हैं दूसरा वाला, कंट्रोवर्सी सराउंडिंग बॉटम ट्रॉलिंग एंड पर्स इन फिशिंग। देखो, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, समझ गए उसका है। तो देखते हैं, देखो अब हुआ क्या कि हम जानते हैं कि यदि हम लोग यदि फिशिंग का बात करें तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है स्टूडेंट, बेस्ट फिशिंग के लिए, आंध्र प्रदेश देखो सबसे बड़ा कोस्टल एरियाज है फिशिंग के टर्म्स में, और सब ज़रा फिशिंग यहीं पे होता है। तमिलनाडु भी देखो बहुत बड़ा एरिया है, उड़ीसा भी देखो,
तो ना ही ओडिशा ने मना किया, ना ही तमिलनाडु ने मना, ना ही तुम्हारा आंध्र प्रदेश ने मना किया। मना कौन कर रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु बोल रहा है कि पर्स ये वाला पर्स सीन फिशिंग नहीं होगा। और ये बात मामला गया वहाँ पे, अभी मैं बताऊँगा पर्स सीन फिशिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे ध्यान दो, इधर थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा तुम लोग को, इसको समझना है। तो पर्स सीन फिशिंग का मतलब होता है स्टूडेंट कि इस तरह का गोल तरह का जाल है और यहाँ पे ऐसे फिश का स्कूल है। फिश का स्कूल मतलब बहुत सारे फिश एक डायरेक्शन में तैर रहे हैं, बहुत सारा फिश, दैट इज कॉल्ड फिश स्कूल कहा जाता है। ठीक है, फिश ऐसे तैर रहा है और ये जो जोन होता है तुम्हारा ना ही बेंथिक होता है ना ही अपर होता है, बीच का लेयर होता है जहाँ पे बहुत सारे फिश सर्वाइव कर पाते हैं और जहाँ पे फिश का स्कूल है। तो इस तरह का जो वर्टिकल इस तरह का जो होगा वो डायरेक्ट ऐसे लगाओगे और जितना भी फिश है वो सब निकल जाएगा। तो बहुत सारे फिश को ट्रैप करने का तरीका है ये पर्स इन फिशिंग। तो उसने क्या किया, तमिलनाडु ने बोला कि हमारे कोस्टल एरियाज में पर्स इन फिशिंग नहीं होगा। तो ये बात गया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो गलत बात है, तमिलनाडु को ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर तमिलनाडु ने किस लिए किया, बड़ा बात ये, तमिलनाडु ने इसलिए किया जो गरीब फिशरमैन है उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि जिसको पर्स सीन फिशिंग आता है वो तो बढ़िया से करके निकाल लेगा वहाँ से, एंड व्हाट अबाउट द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल फार्मर्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना फैसला दिया कि देखो लाइवलीहुड सबका मैटर करता है, केवल गरीबी का नहीं। जो मिडिल वाला फिशरमैन है उसको भी करेगा, जो हायर वाला फिशरमैन है उसको भी करेगा, लाइवलीहुड सबका इंपॉर्टेंट है ना। खाली गरीब का बचाने के चक्कर में आप दूसरे फिशरमैन को वो नहीं कर सकते हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी एरिया है, 12 नॉटिकल जानते हो, 12 नॉटिकल माइल्स तक स्टेट का जुरिसडिक्शन रहता है, जो भी स्टेट है, और 12 के टेरिटोरियल वाटर जिसको कहते हैं, और 12 के बाद 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है उसमें जाके फार्मर्स लोग पर्स इन फिशिंग कर सकता है, बट कोस्टल एरियाज में नहीं। और उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड होगा, प्रूफ होगा, और प्रूफ होगा और प्रूफ के साथ वो 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जाके इस तरह का फिशिंग कर सकता है। ठीक है, एंड इट इज अगेंस्ट द विशेस ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट का मन बिल्कुल नहीं था कि यहाँ पे पर्स इन फिशिंग को अलाउ करे। ठीक है, तो देखो ये भी बड़ी बात है। देखो अब समझो, सुप्रीम कोर्ट अलाउड पर्स इन फिशिंग विथ रिस्ट्रिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल पर्स इन फिशिंग हो सकता है तमिलनाडु कोस्ट में, हाँ, बट उसके लिए स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, समझे। पर्स इन फिशिंग बैन किया गया था, देखो तमिलनाडु मैरीटाइम फिशिंग रेगुलेशन 1983 के हिसाब से तमिलनाडु ने खुद बैन किया है वो चीज़ को। और नाउ अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि इंटरिम ऑर्डर दे रहा है, बोल रहा है कि अब टेरिटोरियल वाटर के बाद, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स के बाद और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बीच में, यानी कि 12 से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स जो है वहाँ पे आप कर सकते हो विथ सर्टन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है तभी थोड़ी देर में बताऊँगा। और देखो इट इज़ अ इंसिडेंटल टू नो डैट प्रैक्टिस इज बैन, ये अलग बात है कि ऐसा प्रैक्टिस बाकी स्टेट में बैन नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में अभी भी पर्स इन फिशिंग होता है, बट तमिलनाडु ने बैन कर दिया। और तमिलनाडु ने बैन क्यों किया तो मैं बता दिया हूँ तुम लोग को, स्मॉल फार्मर्स को दिक्कत ना हो, स्मॉल फिशरमैन को दिक्कत ना हो। अब क्या स्ट्रिंजेंट कंडीशन क्या लगाया गया कि जो फिशरमैन जाएगा 12 नॉटिकल माइल्स के बाद या 200 नॉटिकल माइल्स में, तो उसके ऊपर क्या है कि पर सीनर को बस हफ्ता में दो ही दिन अलाउड है, मंडे और थर्सडे को, समझ गए। और रजिस्टर्ड वेसल्स ही जा सकता है वहाँ पे, जो व्हीकल्स है वही जा सकता है, वो भी रजिस्टर्ड वेसल्स होने चाहिए, बात समझे ना। उसमें ट्रैकिंग डिवाइसेस होने चाहिए, सब अच्छे से ट्रैकिंग डिवाइसेस होना चाहिए और सभी क्रू मेंबर्स का आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, तभी जाके अलाउड है। बस सबसे बड़ी बात ये, देखेगा कौन, इसको इंस्पेक्ट कौन करेगा, तो ये अभी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया बट कैसे होता है आगे वो समझने वाली बात है। तो पहले तो हमें समझना होगा कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है तुम्हारा फिशरमैन के लिए। तो ट्रेडिशनल मेथड बहुत सारे होते हैं, देखो जैसे जिल नेटिंग होता है, लॉन्ग लाइन फिशिंग होता है, ठीक है, एक एंगलिंग भी होता है और एक शोर नेटिंग भी होता है। तो ये चार टाइप का तुम्हारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है। अब इसका मीनिंग समझ लो स्टूडेंट, जिल नेटिंग मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ये ट्रेडिशनल बोट फिशरमैन का, बोट ट्रेडिशनल जो पुराने वाले जो ट्रेडिशनल है ना, पुराने वाले जो फिशरमैन है वो इस तरह का टेक्नोलॉजी और इस तरह का मेथड को यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक नेट को ना स्प्रेड कर दिया जाता है और वो नेट पूरी तरीके से मैकेनाइज बोट से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही उसमें पकड़ाएगा मछली और वो बोट लेके चला जाएगा, ऐसा होता है ना, देखते हो ना तुम लोग। लॉन्ग लाइन फिशिंग का मतलब जिसमें बहुत सारे हुक अटैच होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे किलोमीटर पर उसको फैलाया जाता है नायलॉन स्ट्रिंग्स।
तीसरा मेथड क्या है, एंगलिंग। यहाँ पे क्या होता है, हुक लगा होता है और उसमें तुम्हारा स्मॉल पोर्शन ऑफ कंट्री यानी कि हमारे कंट्री में बहुत कम जगह पे ये एंगलिंग वाला मेथड को यूज़ किया जाता है। शोर नेटिंग का मतलब क्या है कि जहाँ पे इंटायर कम्युनिटी ही जितने फिशरमैन हैं सब एक साथ आते हैं और फिश को ट्रैप करते हैं और उसके बाद एक दूसरे से बांट लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया ना गधा लोग। तो ये चार टाइप का, जिल नेटिंग, लॉन्ग लाइन फिशिंग, एंगलिंग और शोर नेटिंग, ये ट्रेडिशनल हमारा मेथड है, समझे। हाँ, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ट्रॉलिंग भी और डायनामाइट फिशिंग मेथड को बैन कर दिया, क्योंकि डायनामाइट फिशिंग करोगे तो उसमें एक्सप्लोजिव वगैरह सब यूज़ होगा या फिर कोई ऐसा चीज़ यूज़ हो सकता है जिसकी वजह से मरीन स्पीसीज को पूरा इंपैक्ट कर सकता है, इसलिए वो बैन किया है। तो पर्सिंग फिशिंग क्या होता है, मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। पर्सिंग सेविंग में क्या होता है, एक लार्ज नेट को यूज़ किया जाता है जो कि स्कूल ऑफ फिश को वो क्या करता है, अपने अंदर रख लेता है। तैर रहा है ना फिश बहुत सारा, उसको अपने अंदर रख लेगा और ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल तुम्हारा जाल होता है। नेट को स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, स्पीड बोर्ड के हेल्प से, और जितने रोप्स वहाँ पे लगाया जाता है, रोप के साथ जाली अटैच है और जितने भी फिश आया तुरंत आ जाएगा। यानी कि टॉप इज ग्रेजुअली नैरोड एंड स्कूल ऑफ फिश इज इनक्लोज, यानी कि नीचे कर देगा, जितना ही मछली आएगा उसमें पकड़ा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पकड़ाता है इसमें। हाँ, बॉटम ट्रोलिंग हम नहीं करते हैं। बॉटम ट्रोलिंग इंडिया परमिट करता है, मगर बॉटम ट्रोलिंग सबसे भयंकर चीज़ है। बॉटम ट्रोलिंग वाला जो है ना, कि जो नीचे का जो सेडिमेंट्स है वो भी बर्बाद कर देता है। याद करो, श्रीलंका तो बैन कर दिया, इंडिया बैन नहीं किया, मगर हम डिस्करेज करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि बॉटम ट्रोलिंग में जो बेंथिक स्पीसीज है, बेंथिक स्पीसीज समझते हो ना, पढ़े हो इकोलॉजी तुम लोग, नीचे वाला जो है, नीचे वाला यदि पूरा बर्बाद हो जाएगा तो पूरा ही मरीन इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। तो बॉटम ट्रोलिंग इसलिए हम अप्रिशिएट नहीं करते। तो वही बोल रहा है कि बॉटम ट्रोलर कंपेयर में ये ज़्यादा बेटर है, पर सीनर ज़्यादा बेटर है, इसमें ज़्यादा फिशरमैन इंप्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, और लेबर इंटेंसिव है। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं प्रोपोनेंट और अपोनेंट, पर सीन फिशिंग को लेके क्या प्रोपोनेंट का जानकारी है, क्या अपोनेंट का अपना तर्क है। तो देखो, पर सीन फिशिंग उसी फिश को कैच करता है जो कि तुम्हारा पैलोजिक जोन में प्रेजेंट है। पैलोजिक जोन मतलब जो मिडल जोन है, बेंथिक सबसे नीचे, पैलिथिक मतलब ऊपर, समझे, पैलोजिक मतलब बीच का और ऊपर दूसरा लेयर है, तो बीज वाला लेयर को ये कैच करता है। और बीज वाला लेयर क्या होता है, तुम्हारा हाई क्वालिटी होता है और इससे क्या है कि बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसा प्रोपोनेंट कहते हैं। तो बोलते हैं कि बिल्कुल पर्सिन फिशिंग अच्छा है क्योंकि ये बीज वाला लेयर को क्या करता है, टारगेट करता है। बीज वाला लेयर बहुत ही, वहाँ पे बहुत ही स्कूल ऑफ फिश है, समझे, और इससे इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होता है, अनलाइक बॉटम ट्रोलिंग फिशिंग, क्योंकि बॉटम ट्रोलिंग फिशिंग क्या है, नीचे बेंथिक लेयर को इम्पैक्ट करता है, समझ गए। मगर हाँ, अपोनेंट्स, ये तो प्रोपोनेंट्स का बात हो गया, डिबेट हो रहा है यहाँ पे, बट अपोनेंट्स कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्स इन फिशिंग में बहुत ज़्यादा ही कैच किया जाता है, जिसके वजह से जब मछली सस्ता हो जाएगा तो लोकल मार्केट में बाकी जो स्मॉल फिशरमैन है उसका दाम फिर सस्ता हो जाएगा, तो उसके लाइवलीहुड पर फर्क पड़ सकता है। और जबकि बेचारा जो लोकल जो फिशरमैन है जो कि स्टेट टेरिटोरी पे फिश निकालता है, उसका दाम कम हो जाएगा तो उसके लाइवलीहुड पे फर्क पड़ेगा, इसलिए हमें इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये अपोनेंट का स्वर है, समझ गए। ट्रेडिशनल, देखो अब क्या बोलता है, ट्रेडिशनल कंट्री बोर्ड फिशरमैन से इट रिजल्ट इन, बोला कि देखिए कि यदि, अब देखो ये भी अपोनेंट में ही बात किया जा रहा है, कि यदि जो ट्रेडिशनल वाले लोग हैं वो बोले कि इस तरह का जो होगा ना, इससे स्मॉल फिश डिक्लाइन हो जाएगा, और इकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि नो, ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है, इसके वजह से पूरा फर्क पड़ेगा फिश मरीन के ऊपर, तो पर्स सीन फिशिंग नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो बॉटम ट्रोलर फिशिंग इज ऑल्सो क्वाइट ऑफन इन द न्यूज़, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है, पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, पिछले साल से भी पिछले साल बहुत ज़्यादा रहा था। देखो, बॉटम ट्रोलिंग मेथड में क्या होता है कि पूरी तरीके से मैकेनाइट वेसल नीचे चला जाता है, समझे, अब पूरा नीचे बर्बाद कर देगा। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडो नॉर्वेजियन पैक्ट में, जबकि वहाँ 1970s में स्टार्ट हुआ था। हाँ, श्रीलंका में पूरा बैंड है, बट इंडिया बैंड नहीं किया, बट इंडिया अप्रिशिएट भी नहीं करता है ज़्यादा, समझ गए। तो इंडो श्रीलंकन फिशरमैन, जानते हो हर समय प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके टेरिटोरी में घुस जाता है हमारा इंडियन फिशरमैन और वो वाला हमारे बीच में घुस जाता है, तो इसको लेके भी बैठक हो रहा है, बट एक कोई कंक्लूसिव वो नहीं आ पाया, कंक्लूजन नहीं आ पाया कि क्या करना चाहिए फिशरमैन को लेके, समझ में आ गया ना स्टूडेंट, ये तुम्हारा है। तो पर सीन फिशिंग हम पढ़े हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखो उतना ही इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा रहेगा, फर्स्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा 27, इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, समझे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, उससे पहले तुम लोग नीचे ये देखो,
ये वाला खोल लो, ये वाला खोल लो कि हमारे इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। ये दिख रहा है तुम लोग को टेबल? हाँ, ये टेबल खोल लो पहले, ये टेबल समझोगे तभी वो समझ पाओगे। देखो हमारे बॉडी में चार पार्ट है ना, एक को बोलते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये जानते हो तुम लोग, बेसिक जानते हो। WBC बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्लड का, समझ गए ना, हमारे ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट WBC है। और WBC का भी पांच पार्ट होता है, बताए थे ना, फाइव पार्ट्स होता है। अब इसका टेक्निकल नेम देख लो, WBC को हम लेसोसाइट्स भी कहते हैं, लेकोसाइट्स भी कहते हैं WBC का जो बायोलॉजिकल नेम है। अब ये हम पांच भाग में डिवाइड कर सकते हैं, बेसोफिल्स, एसनोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेट्रोफिल्स एंड लेम्फोसाइट्स। लेम्फोसाइट्स कभी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि लेम्फोसाइट्स ही WBC का वो हिस्सा है जो कि एंटीबॉडीज बनाता है। और जो बेसोफिल्स देखो, एसनोफिल्स देखो, मोनोसाइट्स देखो और नेट्रोफिल्स देखो, ये जो चार चीज़ दिख रहा है तुमको, यही तुम्हारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। यानी कि ये एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, जो बाहर से पैथोजन कोई आ रहा है तो उसको रोक रहा है। कैसे रोक रहा है? देखो बेसोफिल्स देखो, ये अलार्म जनरेट करता है और वहाँ से तुम्हारा एक एंजाइम क्रिएट होता है जिसको हिस्टामिन कहते हैं। और हिस्टामिन जैसे रिलीज हुआ, इसका मतलब पता चल गया कि बाहर से कोई अटैक करने के लिए आया है। जैसे ही बाहर से अटैक करने के लिए आया है तो बाकी सब एसनोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब एक्टिवेट हो जाएगा। बात समझे? तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब एसनोफिल्स देखो, एसनोफिल्स का काम है कि कोई भी कैंसर सेल, बताए थे ना, ये डायरेक्ट कैंसर सेल को खत्म कर देगा। बोले थे ना तुम लोग को कि ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि कैंसर सेल बाहर से यदि आ रहा है तो डायरेक्ट पैरासाइट सेल या कैंसर सेल आ रहा है तो डायरेक्ट तुम्हारा एसनोफिल्स खत्म कर देगा। और इससे नहीं हुआ तो फिर लेम्फोसाइट देखेगा अपना आराम से। मोनोसाइट्स का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया यदि अटैक हो रहा है बाहर से, बैक्टीरिया के रूप में कोई भी पैथोजन आ रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। और न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है कि बैक्टीरिया और फंजाई जो बाहर से आ रहा है उसको ये खत्म कर देगा। तो देखो मोनोसाइट्स बैक्टीरिया को खत्म करेगा, बट न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया और फंजाई दोनों खत्म करेगा। और ज़्यादातर हमारे WBC में जो ज़्यादातर जो प्रेजेंट होता है वो तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स ही प्रेजेंट होता है। मात्रा समझे, WBC का पांच मात्रा में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो न्यूट्रोफिल्स का मात्रा है। बात समझे ना? अब देखो ये बॉडी में खुद प्रेजेंट है, बॉडी का अपना चीज़ है, ये कहीं से लाया नहीं गया है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये बॉडी का अपना चीज़ है, बॉडी का खूबसूरती है। इसलिए इस तरह का जो इम्यूनिटी जो कि बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई भी आएगा, चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे कैंसर सेल आए, चाहे कोई भी पैथोजन आया, उसको तो ये सामना करेगा ही करेगा, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। यदि मान लो कि कोविड-19 से ये लड़ता तो स्पेसिफिक हो जाता, बट ये क्या है, कोई भी पैथोजन से लड़ सकता है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। समझ में आ गया ना स्टूडेंट तुम लोग को? अब यहाँ पे देखो, सबसे मेन खेला तो लेम्फोसाइट्स का है। जो मेन सबसे मेन है वो क्या है? लेम्फोसाइट्स। तो लेम्फोसाइट्स का दो सेल होता है, बढ़िया समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, टी सेल एंड बी सेल, ठीक है। लेम्फोसाइट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, क्या बोलते हैं, टी सेल बोलते हैं और बी सेल बोलते हैं। अब देखो ये टी सेल बी सेल क्या है तुम्हारा, ये कैसे आया लेम्फोसाइट्स, टी सेल बी सेल कैसे आया? ये तुम्हारा एडप्टिव इम्यूनिटी से आया, या फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं था, मैं ये बाहर से लाया गया। बाहर से कैसे ला सकते हो स्टूडेंट? बाहर से या तो तुम वैक्सीन करवा के ला सकते हो, या फिर तुमको पहले इन्फेक्टेड हो, पहले यदि तुम इन्फेक्टेड हो, कोविड-19 तुमको पहले हुआ है तो अब लड़ने में आसान होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो WBC है उसने समझ लिया कि पहले ही अटैक किया था। जब पहले अटैक करता है तो मेमोरी आ जाता है WBC के पास। तो दो तरीके से तुम्हारा ये लिम्फोसाइट्स अपना काम करता है। क्या है? एक अक्वायर्ड है, यानी कि अक्वायर्ड ही है जी। अक्वायर्ड मतलब क्या, या तो वैक्सीनेशन करवा कर दे दिए, या फिर प्रीवियस तुम एक्सपोजर हुए थे, समझ गए ना? तो वही लिखा गया कि दिस इम्यूनिटी रिजल्ट्स ड्यू टू वैक्सीन हो सकता है या पास्ट मेमोरी। पास्ट मेमोरी मतलब प्रीवियस एक्सपोजर हुआ है। इट इज़ अ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स का देखो। अब ये टी सेल बी सेल दो टाइप्स का होता है, एक बोलते हैं सेल्फ मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। मैं बताऊंगा, दोनों ही बताऊंगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या है, बट दोनों को जोड़ दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, अक्वायर्ड या एडप्टिव इम्यूनिटी। मतलब अक्वायर्ड किया, बाहर से हमने प्राप्त किया है, हमारे अंदर का नहीं है, हमारे अंदर का क्या है, इनेट इम्यूनिटी है। समझ में आ रहा है चीज? अब आगे देखो, आगे एक ही बार देख लो नीचे का फिगर देख लो। ये फिगर देखोगे तभी समझ में आएगा। ये फिगर दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ पे देखो लेम्फोसाइट्स के दो पार्ट, टी सेल और बी सेल, सही बात है ना? अब देखो टी सेल भी दो टाइप का होता है, एक बोलते हैं हेल्पर टी सेल, एक बोलते हैं किलर टी सेल। समझे? एक क्या बोलते हैं, हेल्पर टी सेल,
और एक दूसरा देखो, नहीं भी लिखोगे तो समझ जाओगे तो हो जाएगा, मत समझना बहुत ज़रूरी है, बाद में लिख सकते हो, समझना जरूरी है इस चीज़ को। देखो ये पूछा गया यूपीएससी में 2022 में भी क्वेश्चन ये सब। देखो टी सेल का दो हिस्सा, एक हेल्पर टी सेल है, एक किलर टी सेल है, समझ गए। हेल्पर टी सेल को CD4 काउंट भी कहा जाता है और किलर टी सेल को CD8 भी कहा जाता है, समझ में आ गया ना, नाम दूसरा है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इन्फेक्शन नोटिस्ड हुआ, मान लो कि कोई इन्फेक्शन हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस गया था मगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम ही नहीं कर पाया आपका, चार है ना इनमेट इम्यूनिटी, चार बताए थे ना, नहीं हुआ, तो उस समय हेल्पर टी सेल के पास दो ऑप्शन है, हेल्पर टी सेल के पास दो ऑप्शन है, या तो हेल्पर टी सेल किलर टी सेल को एक्टिवेट कर देगा, यदि किलर टी सेल को एक्टिवेट करेगा तो डायरेक्टली जाकर पैथोजन को अटैक कर देगा, खत्म कर देगा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि हेल्पर टी सेल बी सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है। अब बी सेल को एक्टिवेट करने का मतलब है विद्यार्थी एंटीबॉडी जनरेट करेगा हमारा बॉडी, अब तब जाके एंटीबॉडी जनरेट होगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो हेल्पर टी सेल का दो काम है, या तो वो किलर टी सेल को एक्टिवेट कर दे, किलर टी सेल को एक्टिवेट करने का मतलब वो पैथोजन को डायरेक्ट मार देगा, बट यदि वो सक्षम नहीं हुआ पैथोजन, जैसे COVID-19 देखो ना कहाँ सक्षम होगा COVID-19 से लड़ने के लिए, तो उस केस में वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा, जैसे बी सेल एक्टिवेट हुआ एंटीबॉडीज बना देगा और वो एंटीबॉडीज बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देगा, और यदि बी सेल भी काम नहीं आया तो इन्फेक्टेड हो गया आदमी, फिर आदमी चाहे भी कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद फिर वैक्सीन लगाओ या हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त कर लो, हर्ड इम्यूनिटी जानते हो ना 90% लगा दो, 95% 90% लगा दो, डिजीज पे डिपेंड करता है कितना हर्ड इम्यूनिटी के लिए होना चाहिए, बताए थे ना। हाँ मिसल्स जानते हो ना, मिसल कारगर नहीं हुआ क्योंकि इसमें कितना मांगता है तुम्हारा, 95% मांगता है तुम्हारा वैक्सीनेशन। अब देखो इसीलिए हम बोले थे ना कि बताएंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमन इम्यूनिटी, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब क्या कि सेल खुद ही दूसरे सेल को बोल दिया, यानी कि हेल्पर टी सेल ने दूसरे किलर टी सेल को बोल दिया और वहां से इम्यून सिस्टम डेवलप्ड हुआ, इसलिए उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है, बात समझ में आ गया ना। बट हेल्पर टी सेल से किलर टी सेल का जो भी एक्टिवेट किया उसे नहीं हुआ, मगर उसने क्या किया, हेल्पर टी सेल ने बी सेल को एक्टिवेट कर दिया, तो वो उस समय जो इम्यूनिटी आपके पास आया है एंटीबॉडीज के रूप में, वो कौन सा इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ये इतना कुछ हो रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। आप ऊपर पढ़ लो, अब सब समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो फर्स्ट पेज पढ़ो, देखो हाँ, हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स व्हेन अ फॉरेन एंटीजन इज डिटेक्टेड, कैसे हमारा काम करेगा, जब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट आता है तो एक अलार्म राइज हो जाता है, हिस्टामिन रिलीज करता है ना, हिस्टामिन रिलीज कौन करता है, बेसोफिल्स, और इसके बाद चेन सेलुलर रिएक्शंस होते हैं, यानी कि हर सेल को इन्फॉर्म आएगा कि देखो हो गया है, अटैक हो गया। तो जैसे एग्जांपल देखो, माइक्रोफेजेस या इम्यून सेल जो भी आपके पास बेसोफिल्स है न्यूट्रोफिल्स है वो डिप्लॉय कर दिया जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में और पैथोजन को वो अटैक कर देता है ना। और इसका यही जॉब है कि इन्वेडर जो आया है उसको बर्बाद करो, ख़त्म करो, बट समटाइम्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है मैटर, तब टी सेल और बी सेल को भी आना पड़ता है, सही बात है कि नहीं। आगे देखो क्या क्या हो रहा है, सब देखो समझ गए तो वो सब समझ जाओगे स्टूडेंट, सब वही चीज़ है। हम जानते हैं कि टी सेल, देखो यही बोला कि टी सेल हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि टी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कैंसर रिसर्च के लिए भी, टी सेल पर काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टी सेल पर अच्छा काम करेंगे तो कैंसर, देखो अभी कैंसर सेल को किया था ना, टी सेल मतलब कौन सा सेल, हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल किलर टी सेल को किया तो देखो कैंसर सेल खत्म हो जाएगा ना। तो वही बोला कि देखो ये दो टाइप का जो लिम्फोसाइट्स है, यानी कि टी सेल और बी सेल, ये हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो समझते हो, हाँ हड्डी का जो सबसे स्पॉन्जी वाला पार्ट है वहाँ प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद टी सेल फिर चला जाता है थाइमस में चला जाता है मैच्योर होने के लिए। बी सेल देखो, बी सेल मात्र 20% लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होता है जबकि 80% तुम्हारा टी सेल रहता है, समझे, और टी सेल का लाइफ स्पैन भी बड़ा है एज कम्पेयर टू बी सेल, समझ में आ गया ना। टी सेल देखो साइटोकिनिन्स यूज करेगा, यानी कि मैसेंजर मॉलिक्यूल्स यूज करेगा और उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब क्या कि टी सेल हो सकता है हेल्पर टी सेल, हो सकता है किलर टी सेल को एक्टिवेट कर दे, हो सकता है हेल्पर टी सेल तुम्हारा बी सेल को एक्टिवेट कर दे, यही बोला जा रहा है। देखो टी सेल भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, CD4 और CD8, यानी कि हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल, काम वही है, हेल्पर टी सेल का काम है कि एक्टिवेट करे किलर टी सेल को जो कि एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। हेल्पर टी सेल क्या कर सकता है, बी सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है जो एंटीबॉडीज बनाता है, उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, सही बात है कि नहीं है। जो कैंसर सेल टी सेल, आप देखो देखो कई बार क्या होता है पता है, सुनो सुनो, कैंसर सेल बहुत चालाक होता है, कैंसर सेल बहुत चंट होता है, चंट कैंसर सेल बॉडी में आता है ना तो पता नहीं चलने देता है टी सेल को, कभी कभी धोखा हो जाता है टी सेल के साथ, क्योंकि टी सेल का काम है कि कैंसर सेल को ख़त्म करे। तो आखिर क्यों रिसर्च चल रहा है टी सेल के ऊपर,
तो कई बार कैंसर सेल हमारे बॉडी में आते हैं तो पता नहीं चल पाता है, तो वही बोल रहा है कि कैंसर सेल इवेट टी सेल, यानी कि टी सेल को ठक लेता है वो, ठीक है ना, और बाय क्रिएटिंग सिग्नल, यानी कि ऐसा सिग्नल क्रिएट करता है तुम्हारा जो कैंसर सेल कि एज इफ कुछ है ही नहीं, वो आगे घुस गया है कैंसर सेल। तो उस समय एक चेक पॉइंट इनिबेटर्स का काम होता है। एक चेक पॉइंट इनिबेटर्स यदि वहां पे आ गया हमारे डब्ल्यूबीसी में तो वो बता देगा देखो ये ठक रहा था तुमको, बात समझे, ये ठक रहा था तुमको, और थैंक्स टू चेक पॉइंट इनिबेटर्स जो कि इस सिग्नल को खत्म करता है और बोलता है टी सेल लड़ो जल्दी, कैंसर सेल आ चुका है, नहीं तो कैंसर सेल को ठक लेगा, फिर कैंसर सेल ठक लेगा नहीं तो टी सेल को, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम कैसे बचना चाहेंगे कैंसर सेल यदि हमारे बॉडी में आ जाएगा, तो हम दो तरीके से बच सकते, एक चेक पॉइंट इनिबेटर्स, क्योंकि चेक पॉइंट इनिबेटर्स आया तो इसका मतलब जो गलत सिग्नल दे रहा था टी सेल को कि कुछ नहीं है बाबू हम ऐसे आए हैं घूमने के लिए, तो वो कट जाएगा, समझे, बोला तुम घूमने के लिए आया है कि तुम ब्रिटिश है, समझे। और दूसरा देखो, छठा देखो, कार्ट टी सेल थेरेपी। कार्ट टी सेल थेरेपी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो हमारा बॉडी का जो टी सेल है, जो हमारा बॉडी का जो टी सेल है वो टी सेल बॉडी से निकाल कर लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, लेबोरेटरी में जो टी सेल है, और उसको मॉडिफाई किया जाता है और हमारे बॉडी में फिर से डाल दिया जाता है, सो डैट अब कहीं कैंसर सेल आए तो इसको ठके नहीं। तो बात समझे, दो तरीके से हमारे टी सेल को अवगत करवाया जाता है कि कैंसर सेल बाहर से आके अटैक ना कर ले। वो दो तरीका क्या हो सकता है हमारा, एक चेक पॉइंट इनिबेटर्स हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, कि कार्ट टी सेल थेरेपी। इस थेरेपी के अंतर्गत क्या हो सकता है कि लेबोरेटरी में हमें क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है टी सेल को, और टी सेल को मॉडिफाई करके फिर से पेशेंट को दे देना होता है, ताकि जब कैंसर सेल फ्यूचर में आए बॉडी में तो कैंसर सेल उसको ठके नहीं। आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इसलिए कहा जाता है कि कार्ट टी सेल थेरेपी अभी रिसर्च का विषय है बायोटेक्नोलॉजी में। अब होप्स हो कि जब तुम लोग को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो ये सब चीज़ समझ जाओगे अच्छे से, बात समझे, आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट देखो, लास्ट 28 क्या है तुम्हारा, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इज अनदर ग्रिम रिमाइंडर ऑफ अर्बन क्योस। अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में यही आया है कि देखो अर्बन में बहुत स्थिति खराब है। अब क्यों स्थिति खराब है, पहले समझो, GS1 पेपर, इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमिडीज, हिंदू पेपर में आया था 23 जनवरी को। समझो मैटर क्या है ये, देखो अभी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये कहता है कम से कम $840 बिलियन लगेंगे, इंडियन करेंसी में कहा जाए तो 70 लाख करोड़ की आवश्यकता है, तब जाके यदि ये इन्वेस्टमेंट हुआ अर्बन इंडिया में, तब जाके जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है भारत में, तभी जाके इसका निवारण हो सकेगा, तभी जाके तुम्हारा सेटिस्फाइड हो पाएगा, क्योंकि अर्बन क्योस हो रहा है, अर्बन बहुत तेज़ी से अर्बन एरियाज बढ़ते चला जा रहा है, बात समझ में आ गया ना। और इसके लिए भारत सरकार को कम से कम 55 बिलियन पैसा चाहिए एनुअली, ह्यूज पैसा चाहिए, ताकि हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, अर्बन एरियाज में हम खर्च कर सकें। देखो फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार के, जानते हो, स्मार्ट मिशंस है, अमृत है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना। अब देखो इसका देखोगे तो 2 लाख करोड़ के भाई आसपास नहीं होगा ये, और कहाँ हमको कितना 55 बिलियन एनुअली चाहिए। तो हम जो भी अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाते हैं वो बहुत कम है, बात समझो, वो बहुत कम है, और रिक्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा है। अब देखो 85% स्टूडेंट अर्बन एग्लोमरेशन के वजह से सरकार को पैसा आता है, यानी कि अर्बन एरिया से भारत सरकार या राज्य सरकार को कितना पैसा आता है, तो 85% मैं भारत सरकार या राज्य सरकार कहाँ खर्च करता है अर्बन एरियाज के ऊपर, ये प्रॉब्लम है। तो देखो वहाँ पे रिपोर्ट क्या कहता है कि लगभग 85% गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है सिटीज से ही आता है, इसका मतलब अर्बन जो सिटीजन है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, लार्ज रेवेन्यू दे रहे हैं। इसलिए इसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि आप एक्स्ट्रा बर्डन लगा रहे हो, कभी यूज़र चार्ज के रूप में लगा रहे हो, देखो ना म्यूनिसिपलिटी चार्ज लगाता है कि नहीं लगाता है, कहाँ गांव देहात में कोई टैक्सेशन सिस्टम होता है, यहीं पे जो आदमी, अभी देखो निर्मला सीतारमण का जो बजट चल रहा है, हो सकता है अभी आए, 5 लाख लोग बोल रहा था कि इस बार 5 लाख जो वेतन कमाता है उसको थोड़ा राहत मिले, हाँ पहले भी था, हो सकता है इस बार और ब्रैकेट बढ़ा दे वो चीज़। तो वही बोला कि यूज़र फीस के रूप में, यूटिलिटीज की फीस में आप बहुत पैसा उससे अर्जित कर रहे हो अर्बन पॉपुलेशन से। आगे देखो स्टूडेंट, तो व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द सॉल्यूशन सजेस्टेड, क्या वर्ल्ड बैंक ने क्या सुझाव दिया है,
वर्ल्ड बैंक ने सुझाव ये दिया है कि फिस्कल बेस को इम्प्रूव करना होगा और जो हमारा जो इंडियन सिटी है उसका क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ाना होगा। क्या होता है क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ाने का मतलब? कि हमारे इंडियन सिटीज़ भी इस स्थिति में जरूर है कि वो म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी कर सके। देखो म्यूनिसिपल बॉन्ड तभी जारी हो सकता है स्टूडेंट जब आपका सिटी का कोई डिग्निटी हो। अरे सिटी का डिग्निटी होगा तभी ना। देखो एग्जाम्पल समझो कि मुंबई का म्यूनिसिपल चुनाव होता है तो लगता है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ऐसा क्यों? दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव हुआ तो लग रहा था कि पूरा लोकसभा का चुनाव हो रहा है। सब अमित शाह जी पहुंच गए, बताओ एमसीडी के चुनाव में अमित शाह जाएंगे? हैदराबाद में होता है तो वहां पे चले जाते अमित शाह चले जाते। कहां बेगूसराय में आए अमित शाह बताओ जरा हमको? नहीं ना आए, क्योंकि सिटीज मेन चीज है। देखो कोई भी सरकार सिटी को लूज नहीं करना चाहेगा। अच्छा सिटीज को कभी लूज नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि सिटी तो है जो पैसा है, बिना सिटीज का पैसा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए कोई भी सरकार दिल्ली को टारगेट करेगा, मुंबई को टारगेट करेगा, कलकत्ता को टारगेट करेगा, हैदराबाद को टारगेट करेगा, बेंगलोर को टारगेट करेगा। हाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ढेर सारा पैसा है। देखता है अरविंद केजरीवाल जब कोई शहीद होता है तो 2 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। कहाँ से मुआवजा मिलता है 2 करोड़ का? यहाँ देखो बिहार का सरकार दारू पी के मरता है, बोलता ठीक तो हुआ मर गया वो। और यही चीज़ यदि वहाँ पे होता दिल्ली में नहीं भी तो कम 1 करोड़ रुपया जाता, ढेर सारा पैसा कुबेर के खजाना में बैठा हुआ है। क्यों? सिटीज। बात समझे? यहाँ पे वही चीज़ देखो, इट स्टेटेड एट सिटी मस्ट इंस्टीट्यूट, इसलिए सिटीज़ के पास एक रेवेन्यू बेस होना चाहिए। बात समझे? ताकि वो ठीक से क्रिएट कर सके। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है अर्बन फाइनेंस का। 3 डिकेड हो चुके हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, है ना, 1991 में हुआ हमारा। बट देखो अर्बन फाइनेंस प्रीडोमिनेंटली कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा ही आ रहा है। अब इसमें देखो फाइनेंस नीडेड टू फंड द अर्बन कैपिटल एक्सपेंडिचर 48%, 24% एंड 15% आर डिराइव फ्रॉम द सेंटर। कितना पैसा आता है? देखो सेंटर से कितना आता है 48, स्टेट से कितना पैसा आ रहा है 24, और सिटी गवर्नमेंट से आ रहा है 15%। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मात्र 3% कर रहा है और जो बाहर से डेप्ट लेके 2%। कहने का मतलब क्या है कि सिटी जो इतना उभर रहा है, इतना बढ़ रहा है, उसमें बाहर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब बाहर से कोई नहीं आया है। अब यहाँ पे देखो पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट मस्ट बी चेंज, जिस तरह हम देखते हैं वो चीज़ हमें चेंज करना होगा। कैसे? एक हमें प्लान करना होगा स्टूडेंट, जहाँ पे पीपल इन्वॉल्व रहे। और जो नेशनल टास्क फोर्स जो तुम्हारा बैठा था, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, केसी शिवा कृष्णन का जो कमेटी बैठा था, उन्होंने कहा कि देखिए जो आप पैसा इतना कलेक्ट कर रहे हो, आपको तो 85% पैसा आता है सिटीज से, कम 10% बैक कर दो उसको, है ना, 10% बैक करके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करवाओ वहाँ पे। खाली पैसा ही ले रहे हो तुम तो सिटी पे खर्च ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कमेटी बना था और एक कमेटी ने बोला था ऐसा। दूसरी बात यह है कि जितने भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है सब लिंक्ड है तुम्हारा अर्बन गवर्नेंस, और अर्बन रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए वहाँ पे, और 3 F's को बहाल करना चाहिए, यानी कि फाइनेंस खुद का हो, फंक्शन खुद का हो और फंक्शनली खुद का हो, तभी जाकर सिटीज ग्रोथ कर पाएगा रियल सेंस में, तभी जाकर सिटी में गवर्नेंस पैटर्न ढंग से हो पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखो सिटीज आर रन बाई पैरास्टेटल्स। पैरास्टेटल मतलब क्या होता है? सिटीज आर रन बाई प्राइवेट एजेंसी, सरकार का कोई काम ही नहीं है, प्राइवेट एजेंसी ही सिटीज को रन कर रहा है, समझे? इसलिए सिटी गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट एजेंसी कर रहा है। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमें एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए जिसकी वजह से स्टेबल सिस्टम डेवलप्ड हो और अर्बन लोकल बॉडीज़ को ठीक से पैसा मिले ताकि वो और वायबल हो सके और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके, और उसका क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ाना होगा ताकि वो म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी करके पैसा ला के और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर सिटी बढ़ सके। दैट्स इट।